पहले आप इस कटहल की सब्जी का लुक देखिए, उसके बाद मैं इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करती। बहुत ही चटपटी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई थी। जय माता दी दोस्तों, मैं रितु शुक्ला आपको अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं कटहल दो प्याजा की बहुत ही चटपटी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देर ना करते हुए सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये कटहल है जिसे छोटे छोटे साइज में मैंने काट के दो सीटी लगवाई थी प्रेशर कुकर में डाल के। दो सीटी से ज़्यादा मत लगवाइएगा वरना ये घुल जाएंगे, दो सीटी परफेक्ट है। ये 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, 2-3 प्याज है, हरी मिर्च है 2-3 और अदरक है। इसका हम एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। तो लहसुन अदरक और मिर्च का हमें बहुत ही दरदरा सा पेस्ट बनाना है। तो जार में डाल के हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया कुछ इस तरीके का। अब हम कढ़ाई रख देंगे गैस पे और सरसों का तेल डालेंगे। जी हाँ, ये सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होती है, तो आप भी सरसों के तेल में ही सब्जी को बनाइएगा। तो ये जो हमने हल्का सा बॉईल किया था कटहल को, उसे तेल में डालकर अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक हमें भुनना है। तो मीडियम आँच पर ही भुनेंगे, बहुत तेज आँच नहीं करनी है हमें, वरना यह फिर नीचे से पकड़ने लगेगा। तो बस इसी तरीके से 2-4 बार चलाते हुए हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बस ये भून के तैयार हो चुके हैं, तो चलिए एक प्लेट में हम इसे निकाल देते हैं। तो हमें इतना ही इसे भुनना था। वापस से उस कढ़ाई में हमें तेल डालना है, तो इस कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल हम और डाल देते हैं क्योंकि बाकी के मसाले हम इसी में भुनेंगे। तो ये कुछ गरम मसाले हैं, दालचीनी है, तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है। तो इन सभी को डालकर तेल में तड़कने तक हमें अच्छी तरीके से पकाना ताकि सौंधी सौंधी से खुशबू आने लगे। और ये हमने आधी छोटी चम्मच जीरा भी डाल दिया है इसमें। मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो 3-4 प्याज हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हम 2 प्याजा बना रहे हैं। तो प्याज को डालने के बाद में हमें अच्छी तरीके से गुलाबी होने तक इसे भून लेना ताकि बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसी तरीके से चलाते हुए हमें थोड़ी देर भुनना है इसे। तो प्याज देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं पहले से। तो हमने जो दरदरा सा मसाला बनाया था लहसुन अदरक मिर्च और प्याज का, वो अब हम इसमें डालेंगे। इस मसाले को डालने के बाद में हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे भुनना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। जितना अच्छे तरीके से हम मसालों को भुनेंगे सब्जी में उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो बस इसी तरीके से हम इसे भुनेंगे ताकि पानी इसका पूरा सूख जाए। कुछ सूखे मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। तो ये थोड़ा सा सूख चुका है, तो चलिए कुछ सूखे मसाले इसमें डाल देते हैं। तो ये आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे हम, ये 2 चम्मच भर के हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर से डालिएगा। ये कश्मीरी मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें 1 छोटी चम्मच, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको और ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा कश्मीरी मिर्च की क्वांटिटी को। तो बस अभी मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से मिला देंगे हम इसे। बहुत ही अच्छी 2 प्याजा कटहल की सब्जी बनकर तैयार होती है, आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये अब हम थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें 1 छोटी चम्मच डालेंगे। कटहल की सब्जी में गर्म मसाला बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं या मैगी मसाला डाल दीजिएगा, जो भी आपके पास हो। तो ये अच्छी तरीके से भुन रहे हैं, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो वापस से हम पानी डालेंगे इसमें और पानी डालने के बाद मसालों को मिला देंगे और थोड़ी देर मसालों को और हम पकने देंगे। तो जब ये मसाले थोड़ी देर अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो हमने जो कटहल को सेलो फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और कटहल को मसाले के साथ में अच्छी तरीके से हमें थोड़ी देर भुनना है, 5-7 मिनट तक। तो इसी तरीके से मीडियम आंच में इसे 5-7 मिनट तक भुनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से इसका टेस्ट सही हो जाएगा और थोड़ा सा कटहल गल जाएगा जो थोड़ा बहुत बाकी होगा। तो नमक डाल के अच्छी तरीके से हम मिला देते हैं। तो देखिए अभी से देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको रोटी से खाना हो या पराठे से खाना हो तो आप इसी तरीके से ड्राई रख सकते हैं, और अगर चावल से खाना हो तो थोड़ी ग्रेवी लगा लीजिएगा। तो ये 2-3 आलू मैंने बॉईल करके रखा था, तो इसे काट के नहीं डालेंगे, हाथों से इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा और ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक बनकर तैयार होती है, जो कि रोटी और चावल के साथ में बड़ी लाजवाब लगती है, बहुत मज़े की बनती है। तो एक बार इस तरीके से आलू को मैश करके डाल के ज़रूर बनाकर देखिएगा, और अगर आप पहले से इस तरीके से बनाते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए ये मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तो हम वापस से इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी होगी आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो अब
ग्रेवी को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई थी, थोड़ी ठीक रखूँगी मैं। आप चाहे तो थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको मन हो खाने का। तो बस इस तरीके से देखिए, अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे और कटहल को अच्छी तरीके से पकने देंगे ग्रेवी के साथ में। तो थोड़ी देर हो चुका है, तो चलिए खोल कर देख लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखिए किस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा थिक बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में इस तरीके से। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक कटोरी में हमने सर्व कर लिया। तो गर्मा गर्म कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। तो कटहल दो प्याजा की इस रेसिपी को एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, रोटी नान और चावल के साथ में खाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हो, जाकर जरूर देखिएगा। और ये कटहल बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो बस घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ में आपसे मिलते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट में। तो ये कटहल की सब्जी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है। जय माता दी।